पर भोपाल को स्वच्छता में ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाने के लिए बैठे हैं और ये यहाँ मेरे सारे मीडिया के बंधु बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आपके अपने भोपाल को आप जितने ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भोपाल का सहयोग करेंगे, इतना सहयोग भोपाल नगर निगम को जो मिलेगा, भोपाल नगर निगम सभी मीडिया बंधुओं का आभारी रहेगा। राष्ट्रीय इंडियन स्वच्छता लीग 2.2 ये कार्यक्रम आया है और इस कार्यक्रम को किस तरह से करना है और क्यों करना है, तो ये बातचीत करने के लिए आज हम सब बैठे हुए हैं। तो इस कार्यक्रम को बातचीत करने का पहला चरण है मीडिया से संवाद करना, सबसे पहला चरण है। और ये कार्यक्रम जो शुरू होगा वो 17 तारीख से शुरू होगा और 2 तारीख को गांधी जयंती के दिन ये कार्यक्रम का समापन होगा। नेशनल थीम एक आती है कि कुछ नया करके हर शहर को दिखाना रहता है और उस नए को हम वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से और जो भी नया हम प्रस्तुत करने वाले हैं आप सबके माध्यम से देश में भी पहुंचाएंगे और जो थीम है उसको हम सब जगह पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इसी तारतम्य में हमने एक लिंक वहां से आया है, उसका QR कोड भी है, तो सबसे पहले उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है। तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए कल से पोर्टल खुल गया है और हमारा रजिस्ट्रेशन कल से प्रारंभ हो गया है। मीडिया के बंधुओं से भी मेरा आग्रह है कि भोपाल के आप सब निवासी हैं तो आप अपने परिवार का मीडिया में, जो आपका ऑफिस है वहां पर जितने हमारे भाई बहन जॉब में है उनका और उनके परिवारों का भी रजिस्ट्रेशन आप लोग अवश्य करवाएं। हम QR कोड और आपको लिंक शेयर कर देंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन का हमारा पहला चरण रहता है। उसके बाद हमको नगर निगम को कुछ नया करके दिखाना है। इस बार भोपाल नगर निगम ने उस एरिये को चुना है जहां पर लोगों को एक दिन सांस लेना दुभर था, वहां पर हम कार्यक्रम करने वाले हैं। हम सब मिलकर वहां पर योगा करेंगे और उस भानपुर खंती जो कहलाती थी आजकल वो भोपाल में, भोपाल तो क्या देश के लोग भी जब हमारे कमिश्नर और महापौर आते हैं तो वो भानपुर में कैसे आपने इस दृश्य को बदल दिया उसके बारे में निगम के जो अधिकारी रहते हैं, जो कर्मचारी रहते हैं उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट को कैसे चेंज कर दिया और उस 21 एकड़ की जगह को कैसे खूबसूरत बना दिया कि जहां लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और उसी इसलिए ही अधिकारियों के साथ बैठकर और चर्चा हुई, हमारे MIC मेंबर ने भी ये सुझाव दिया RK सिंह बघेल साहब ने कि हम उस जगह पर ही कार्यक्रम करें कि जिस जगह पर लोग खड़ा होना पसंद नहीं करते थे, भोपाल नगर निगम भोपाल की जनता को भी उसी स्थान पर बुलाएगी और जनता को बुलाकर और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम वहां पर योगाचार्यों से भी हमारी बातचीत हो रही है और योगा वहां पर हम करवा सके। बारिश का मौसम देखते हुए जिस तरह से भी योगा करवा सकते होंगे तो हम वहां पर योगा भी करवाने का प्रयास करेंगे। और इसी थीम में एक और हमको जोड़ना है कि हमको ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता में युवाओं को जोड़ना है। तो हमारा युवाओं से जोड़ने के लिए हमने स्कूल कॉलेज वालों से भी बात की है, NCC भी बात की है, आर्मी वालों से भी बात की है, हमारी पुलिस प्रशासन से भी बातचीत हो रही है। पुलिस प्रशासन सहभागिता के नाम पर यदि वहां पर सहभागी के रूप में उपस्थित होने में यदि कोई नियम अनुसार नहीं हो पाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उन्होंने हमको वायदा दिया है कि हम सब भोपाल के निवासी हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और जितने भी विभाग हैं हम सभी विभागों से चर्चा कर रहे हैं और भोपाल की जनता को भी हम उस कार्यक्रम में 17 तारीख को सुबह 9 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू होगा
भानपुर जो बाईपास रोड पर बना हुआ है वहां पर 17 तारीख को सुबह 9 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। 11 बजे हम प्रयास करेंगे कि उस कार्यक्रम का हम समापन कर दें। और माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है तो उसी जगह पर हम उनका जन्मदिन भी मनाएंगे। और हम जो हमारी राष्ट्रीय इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 है उसका जो हमको प्रदर्शन करना है, जो हम थीम लेकर आए हैं, उस कार्यक्रम को भी हम वहां पर करें। और ये भी हम इसलिए बताना चाहते हैं कि कचरे के स्रोत पर अलग अलग हम जिससे हमने खंती को बना रहे हैं तो उसको हम देश को बताना चाहते हैं। और वो बताने का काम हम आप मीडिया के बंधुओं के द्वारा ही देश को बता सकेंगे कि हम इस तरह का भोपाल में इस तरह की खंती को हमने और इतना खूबसूरत बना दिया कि वहां पर हम लोगों का योगा करवा सकें। दूसरा हमारा संदेश है कि वहां पर 2 अक्टूबर तक हमें सफाई मित्रों का काम करवाकर और एक शिविर लगाकर सफाई मित्रों का स्वास्थ्य का जांच करवाना है। ये हमारा दूसरा कार्यक्रम रहेगा, इसी थीम के अंतर्गत है। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं, कई हमारे प्राइवेट नर्सिंग होमों से बात हुई है और हम हमारे सफाई मित्र हैं उनका हम स्वास्थ्य का परीक्षण करवाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।